भारत की पहली रिकॉर्डिंग सुपरस्टार गौहर जान की आज 145वीं जयंती के अवसर पर गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गौहर जान भारतीय सिनेमा की वो मशहूर गायिका थी जिन्होंने न सिर्फ भारतीय संगीत को नई बुलंदियों तक पहुंचाया, बल्कि दुनिया भर में देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। 26 जून 1873 को जन्मी भारतीय सिनेमा की मशहूर गायिका गौहर जान का असली नाम एंजेलिना यूवार्ड था। वे भारत की पहली गायिका थी जिन्होंने अपने गायक गानों की रिकॉर्डिंग करवाई थी। भारतीय संगीत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। इसी के चलते उन्हें भारत की पहली रिकॉर्डिंग सुपरस्टार का दर्जा मिला। भारतीय शास्त्रीय संगीत को शिखर तक पहुंचाने वाली गौहर जान असल जिंदगी में शोषण का शिकार हो चुकी थी। उस वक्त वे 13 साल की थी जब उनके साथ दुष्कर्म हुआ। इस सदमे से उभरने के लिए संगीत ने उनका बहुत साथ दिया और वे संगीत की दुनिया में अपना सिक्का जमाने में कामयाब हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि गौहर जान ने 20 भाषाओं में ठुमरियों से लेकर भजन तक गाए हैं। उन्होंने करीब 600 गीत रिकॉर्ड किए थे। इतना ही नहीं, गौहर जान दक्षिण एशिया की पहली गायिका थी जिनके गाने ग्रामोफोन कंपनी ने रिकॉर्ड किए थे। उस वक्त गाने के लिए उन्हें करीब 3,000 रुपए दिए गए थे। अपनी हर रिकॉर्डिंग के लिए वे नए कपड़े और ज्वेलरी पहनकर पहुंचती थी, लेकिन अपने आखिरी दिनों में गौहर जान बिल्कुल अकेली रह गई थी। उनके रिश्तेदारों तक ने उनकी सुध-बुध नहीं ली थी और आज उनकी 145वीं जयंती के अवसर पर न्यूज़ टाइम्स इंडिया भी उन्हें श्रद्धांजलि देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम्स इंडिया।